नमस्कार किसान भाइयों, मैं सुमित कटियार अयोध्या उत्तर प्रदेश से फार्मर जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपको बताएंगे ग्रीन नेट हाउस में खेती करने के लाभ। अगर कंपेयर करें नॉर्मल खेती की जो खुले वातावरण में खेती करते हैं उसके कंपेयर में जो हम ग्रीन नेट हाउस के अंदर खेती करेंगे पौधा अच्छे से बढ़वार करता है, अच्छा अगर फसल कर रहे हैं तो अच्छे उत्पादन करता है या नर्सरी ग्रो करें तो अच्छे से पौधा सर्वाइव करता है, उस बारे में बताएंगे उसके पीछे क्या क्या कारण है, इस बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। पहले बात करते हैं जो इसमें ये ग्रीन नेट आती है, जो ये एक अलग अलग पैरामीटर पे आती है, जैसे 50% 75% 90% ये अलग एक पैरामीटर पे डिसाइड होता लगाई जाती है। तो मुख्यतः पहले बात करते हैं किन फसलों को हम लोग ग्रो कर सकते हैं, तो जिसमें मटर, शिमला मिर्च, कॉल क्रॉप्स आ गई, या मिर्च की खेती, या टमाटर इत्यादि सब्जियां वाली फसलों को हम इसमें आसानी से लगा सकते हैं, या फिर नर्सरी की बात करें आंवला, आम या अन्य पौधे की, जैसे आप लोग देखते हैं आम और आंवला की इसमें नर्सरी लगाई हुई है, इन पौधों को आसानी से लगा सकते हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है इस बात पे बताएंगे आपको कि खुले वातावरण के मुकाबले ग्रीन नेट हाउस के अंदर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है, जिस कारण वो अच्छे से अपना फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कर सकते हैं और अपना भोजन भी आसानी से बना सकते हैं, जिस कारण पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है या आपने फसल लगाई हुई है वो अपने अच्छे से सर्वाइव करती हो, एक अच्छा फसल उत्पादन प्राप्त होता है हम लोगों को, जिससे आमदनी में भी बढ़ोतरी होती है। दूसरा कारण है कि सॉइल सोलराइजेशन, जिससे मृदा में जो अधिक माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो अधिक टेम्परेचर होने के कारण मर जाते हैं या फिर अच्छे से काम नहीं करते, जिस कारण जो भूमि में होते हैं वो अच्छे से काम करेंगे, जिससे अच्छे से काम करने लगेंगे और हमारी पौधा सर्वाइव करेगा। और तेज धूप से या फिर जो भारी मौसम से अन्य रोग उत्पन्न होते हैं उनसे काफ़ी हद तक हमारी फसल को फायदा प्राप्त होगा, नुकसान नहीं होगा, जिससे वो अच्छे से सर्वाइव कर जाएंगे। आवारा पशु जो बाहर घूमते रहते हैं, पशु अगर ग्रीन नेट हाउस के अंदर हम लोग खेती करेंगे तो इनसे हमें नुकसान नहीं होगा, हमारी फसल आसानी से बढ़वार करती रहेगी। कीट पतंगों से जो कीट पतंग होने वाले रोग हो जाते हैं तो उनसे भी हमारी फसल ईजिली कवर होती रहेगी और कम लागत पानी लगा मतलब रोगों पर हमें कम दवाओं का स्प्रे करना होगा, जिससे हमारी फसल अच्छे से बढ़वार करेगी। तो इसके लिए ये इसके बहुत मुख्य लाभ होते हैं। और ये होता है कि इसके लिए हमें कैसे चुनौतियां क्या आती हैं जब इसको लगाएं, तो इसमें लगाने में अधिक खर्चा आता है कंपेयर टू जैसे खुले वातावरण में खेती कर रहे हैं तो आसानी से हो जाए, लेकिन जब इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इसको जब बाउंड्री वाउंड लगाएंगे तो अधिक खर्चा आता है, और एक ऐसे व्यक्ति की हमको आवश्यकता पड़ती है जो इस कामकाज में जानकारी रखता हो, एक अच्छा कुशल व्यक्ति हो जो इसको आसानी चला सके। इसके अंदर आप लोग ड्रिप इरीगेशन या स्प्रिंकलर इरीगेशन अनेक या टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए भी अनेक अनेक इक्विपमेंट्स का प्रयोग करके अपनी फसल को उस हिसाब से लगा सकते हैं। और दूसरे वातावरण में गर्मी वाली सब्जियों को आप सर्दियों में गर्मी वाली सब्जियों को आसानी से इसमें लगा सकते हैं, तो इस प्रकार से हम उसमें खेती कर सकते हैं। तो मैं तो दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।